एक लड़का बाजार में खरीदारी करने के लिए गया था। जब दुकानदार को उसने कुछ पैसे दिए तो उन पैसों में नकली नोट थे। दुकानदार कहता है कि भाई मुझे असली नोट दो, असली नोट के बदले में ही तुम्हें सामान मिलेगा। उस लड़के ने कुछ बदल के नोट दिए। जब दूसरी बार नोट देता है तो दूसरी बार भी नकली नोट होते हैं। दुकानदार कहता है कि इस बार भी नकली है, और तीसरी बार नोट देता है तो तीसरी बार भी नकली नोट होते हैं। दुकानदार ये बात देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास ये नकली नोट आए कहाँ से? जब भी वो नोट दे रहा था तो एक मोटी सी गड्डी से निकालकर नोट दे रहा था। यही बात दुकानदार को अखर जाती है, परेशान कर देती है। मौका पाते ही वो पुलिस को फोन करता है और पुलिस मौके पर आ जाती है। और जैसे ही पुलिस आती है उस लड़के की तलाशी ली जाती है तो उसके पास 500 के और 200 के बहुत सारे नकली नोट होते हैं। इस लड़के को पकड़कर पुलिस जब पूछताछ कर रही थी, पूछताछ करने के बाद इसके घर पर लेकर जाती है तो वहाँ पर न केवल उनको नोटों की गड्डियाँ मिलती हैं, बल्कि एक नोट गिनने वाली मशीन भी उसके घर मिलती है। पुलिस वाले अब पूरे घर की तलाशी लेना शुरू कर देते हैं और तलाशी लेते लेते पुलिस को एक लाश मिल जाती है। यहीं से कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ढूंढ रही थी पुलिस नकली नोट, उसे बनाने की तरकीब क्या थी। लेकिन पुलिस को जब लाश मिलती है तो एक ऐसे घटनाक्रम का खुलासा होता है जिसमें इस घर के अंदर 7 दिनों से लगातार एक लाश रखी हुई थी और आसपास के लोगों को इस बात की भनक तक नहीं हुई। आज की जो घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस घटना को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिसको उसने अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा प्यार किया था, उसी के साथ उसने आखिरकार ऐसा क्यों कर दिया। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है छत्तीसगढ़ प्रदेश की। छत्तीसगढ़ प्रदेश का एक जिला है बिलासपुर, और इसी जिले का एक थाना है सकरी, और सकरी इलाके की एक जगह है उसलापुर, और वही उसलापुर रेलवे स्टेशन के पीछे जो कॉलोनी है बहुत ही सघनीय क्षेत्र है, भीड़भाड़ वाला इलाका है। यहाँ का रहने वाला पवन ठाकुर पिछले कई दिनों से बहुत ज्यादा परेशान था। कभी अपने ससुराल जाता था तो कभी अपने मायके जाता था। इसका एक 5 साल का बेटा है और एक 3 साल की बेटी है। इन दोनों बच्चों को स्कूल भेजे या अपना काम करें, इसी बात को देखते हुए रोज के रोज वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता था। और इसी परेशानी को देखते हुए वो समझ नहीं पा रहा था कि मैं इन बच्चों की परवरिश करूं तो कैसे करूं। ससुराल जाता था, कहता था कि तुम्हारी बेटी कहीं चली गई है, उसको ढूंढने में मेरी मदद कर दो। वो रोता था उनके सामने, गिड़गिड़ाता था, लेकिन ससुराल वाले कहते थे कि हमें तुम्हारे से कोई मतलब नहीं है, तुम कौन हो हम तुम्हें जानते भी नहीं है। तभी वो अपने माँ बाप के पास जाता है। माँ बाप के पास तखतपुर जाके उन दोनों बच्चों को सौंप आता है। कहता है कि मैं इनकी परवरिश नहीं कर सकता, इनका एडमिशन यही करवा देता हूँ और मैं तुम्हारे पास कुछ न कुछ पैसे भेज दिया करूँगा। तुम ही इन दोनों बच्चों को देख लिया करो, मैं अपना काम करूँ या इन बच्चों की देख रेख करूँ। इसी बात को देखते हुए उस पवन ठाकुर के माँ बाप उन दोनों बच्चों को अपने पास रख लेते हैं, ये सोचकर क्योंकि उसके बेटे के ही दोनों बच्चे थे। हालांकि वो इस शादी के खिलाफ थे, परेशान थे क्योंकि इन दोनों ने प्रेम विवाह जो किया था। वो लड़का अपने आप में मस्त होने लगता है और एक दिन एक दुकान पर खरीदारी करते हुए उसके पास कुछ नकली नोट मिल जाते हैं। और जब नकली नोट मिलते हैं तो पुलिस उसकी तलाशी लेते लेते उसके बारे में पता करते करते उसके घर पहुंच जाती है, जो कि बिलासपुर जिले का सकरी थाना क्षेत्र का उसलापुर होता है। जब उसके घर की तलाशी ले रही थी तो तलाशी के दौरान पुलिस को यहाँ पर कंप्यूटर मिलता है, प्रिंटर मशीन मिलती है, साथ ही नोट गिनने की भी मशीन मिलती है, और 500 की 200 की अलग अलग गड्डियां रखी थी। फिर पुलिस TI सागर पाठक ने जब उच्च अधिकारियों को सूचना दी तो उच्च अधिकारी मौके पर आते हैं और इस घर के एक एक कोने को बारीकी से खंगालना शुरू कर देते हैं। फिर जब बारीकी से खंगाल रहे थे, ऊपर वाली मंजिल पर जब जाते हैं तो पानी की टंकी रखी हुई थी और पानी की टंकी टेप से पूरी तरीके से बंद होती है ताकि उसके अंदर से कोई भी हवा पानी बाहर ना आ सके। यही बात पुलिस को अखर रही थी। पुलिस वाले पूछते हैं कि ये टंकी तुमने बंद क्यों की हुई है, तो कहता है साहब ऐसी बंद कर रखी है। पुलिस वाले जब उसका ढक्कन खोलते हैं तो उसके अंदर से 6 अलग अलग टुकड़े मिलते हैं जो बड़े होते हैं। पुलिस वाले जब उन टुकड़ों को खोलने की कोशिश कर रहे थे तो पुलिस समझ रही थी कि इसके अंदर नोटों की गड्डियां बंद है, लेकिन नोटों की गड्डियां नहीं थी बल्कि लाश के अलग अलग 6 टुकड़े थे। और उन टुकड़ों को देखकर साफ अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये लाश किसी महिला की थी। उसके बालों की लंबाई के हिसाब से, उसके पहनावे, उसके शरीर के ढांचे के हिसाब से साफ अंदाजा लग गया था कि एक महिला की लाश है। अब पुलिस नोटों को तो भूल जाती है और इस लाश के बारे में पता करने की कोशिश करना शुरू कर देती है। शुरुआत में वो लड़का इधर उधर की बातें बता रहा था, लेकिन जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछने की कोशिश की तब जाकर उसने जो सच बताया वाकई बहुत परेशान करने वाला था। दरअसल वो कहता है कि बात 10 साल पुरानी है,
सन 2012 के आसपास की। वो फोटोग्राफी का काम करता था, फोटो खींचकर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। और इसी बीच में एक दिन एक बेहद खूबसूरत लड़की उसके पास आती है। वो लड़की जिसको अक्सर बहुत सारे लड़के देखा करते थे, इस लड़की का नाम सती साहू होता है, जो बहुत खूबसूरत होती है। उसके वो ऐसे फोटोग्राफ्स तैयार करता है, उन फोटोग्राफ्स को देखने के बाद वो लड़की खुद हैरान थी, खुद परेशान थी कि आखिरकार उसके इतने सुंदर फोटो कैसे हो सकते हैं। फिर वो अक्सर यहाँ पर फोटो खिंचवाने के लिए आया करती थी। तभी वो लड़का और लड़की एक दूसरे के थोड़ा करीब आ जाते हैं और उनकी दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है। और दोस्ती कब प्यार में बदल जाती है दोनों को पता ही नहीं चलता। लड़का और लड़की दोनों की जातियाँ अलग थी, लेकिन दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। तभी वो लड़की अपने माँ बाप के पास जाकर के कहती है कि मैं पवन से शादी करना चाहती हूँ, उसके साथ जिंदगी बिताना चाहती हूँ। परिवार के लोग इस शादी को लेकर खिलाफ थे। तभी वो दोनों यहाँ से मौका पाते ही भाग जाते हैं। लड़की कुछ इतनी सुंदर थी कि लड़के रास्ते में कहीं भी उसको मुड़ मुड़ के देखा करते थे। शुरुआत में ये बात पवन को बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा था, फिर यही बात पवन को परेशान करती थी, क्योंकि वो बाहर काम करने जाया करता था, पत्नी उसके घर पर रहती थी। एक दो बार कुछ उसने ऐसे भी देखा कि लड़के उसकी पत्नी सती के पीछे पीछे भी आ जाया करते थे, और जब सती के पीछे पीछे आ जाया करते थे तो इसी बात को देखते हुए दोनों के बीच में झगड़ा भी होना शुरू हो जाता है। दोनों के बीच में झगड़ा भी होता था, प्यार भी होता था, और इसी बीच में एक बेटा पैदा हो जाता है। पहले बेटा पैदा होता है, कुछ वक्त के बाद उसको एक बेटी भी पैदा हो जाती है। दो बच्चे होते हैं, उन बच्चों की फिलहाल जो उम्र है, बेटे की उम्र 5 साल और बेटी की उम्र लगभग 3 साल के आसपास। सब कुछ ठीक चल रहा था। एक दिन बाजार में अपनी पत्नी के साथ जा रहा था और किसी लड़के ने उस पर कमेंट कर दिया। उसकी पत्नी को देखकर किसी ने कुछ बोला, यही बात पवन बर्दाश्त नहीं कर पाया। उसने उस लड़के को तो पीटा ही पीटा बाजार में, अपनी पत्नी को भी पीट दिया। और जब पत्नी को पीटा तो पत्नी ने थाने में जाकर FIR भी दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई, लेकिन पत्नी की ही शिकायत वापस लेने पर मामला रफा दफा हो जाता है। और इनके बीच में झगड़े की बस यही वजह बनती थी, उस लड़की का खूबसूरत होना और उसको बार बार अन्य लड़कों का उसको देखना। 5 जनवरी 2023 की रात जब ये लड़का पवन कुमार घर पे आता है तो पत्नी घर पर ही मौजूद होती है, और इसी बात को देखते हुए कुछ ज्यादा ही कहासुनी करने लगता है। वो कहता है कि तुम्हारा किसी से अफेयर है, तुम्हारा किसी के साथ अवैध संबंध है। वो लड़की मना करती है कि मेरा किसी से अवैध संबंध नहीं है, मेरा किसी से अफेयर नहीं है, तुम ये सब बेकार की बातें करते हो। और इसी बीच दोनों के बीच में हाथापाई की नौबत आ जाती है, और मौका पाते ही पवन अपनी पत्नी सती का गला पकड़कर उसको दबाता रहता है। उसको नहीं पता था कि गला दबाते दबाते कब उसने उसको हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। वो समझ ही नहीं पा रहा था। उसकी पत्नी मर जाती है, लाश पड़ी रहती है पूरी रात, और वो सोचने पर मजबूर था कि आखिर मैं करूं तो क्या करूं। उस लाश को ठिकाने लगाने के बारे में सोचते हैं। अगला दिन निकलता है। दिन निकलने के बाद टाइल काटने की जो एक मशीन होती है, कटर मशीन, उसे बाजार से लेकर आता है, क्योंकि ये बहुत ही सघन इलाका है, वहाँ आसपास में घर है, कोई भी सामान बाहर लेकर जाएंगे तो जाहिर सी बात है पता चल जाएगा। पास में ही एक बिल्डिंग का निर्माण भी हो रहा था, रेलवे स्टेशन पास में है, काफी शोर शराबा वाला इलाका है। उसने सोचा कि क्यों ना इस लाश को वो एक पैकेट तैयार करे, और पैकेट तैयार करने के बाद काट पीट के उसको एक जगह पे छुपा के रख दे, और जब मौका मिलेगा तब उन पैकेटों को फेंकना शुरू कर देगा। लेकिन उसको ऐसा मौका नहीं मिल पाया, रात भर बैठा रहता है, और उसने लाश के टुकड़े करते करते 6 टुकड़े उस लाश के कर देता है, और 6 के 6 टुकड़ों को फेंकने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। अगले दिन वो बाजार फिर जाता है, और जाने के बाद खूब सारे टेप इकट्ठे करके लेकर आता है। टेप लाने के बाद उसे पॉलिथीन से पैक करता है, उसके बाद टेप से लपेटना शुरू कर देता है। 6 के 6 टुकड़ों को वो पॉलिथीन और टेप से लपेट लपेट कर बिल्कुल एयरटाइट कर देता है, ताकि उसकी हवा या उसकी दुर्गंध बाहर न जा सके। अब मौका देखते ही उसकी छत पे जो पानी की टंकी होती है, पानी की टंकी के अंदर 6 के 6 टुकड़ों को बिल्कुल पैक करके रख देता है, और उस टंकी पर भी वो टेप चिपका देता है, ताकि इससे निकलने वाली दुर्गंध ज्यादा दूर तक ना जाए। वो सोच रहा था कि मौका मिलेगा इसी बीच में वो अपना काम कर देगा, लेकिन फोटोग्राफी के साथ साथ वो नकली नोटों को बनाने का काम करता था। और इसी बीच में वो इंटरनेट के माध्यम से कुछ ऐसे पेपर की मांग करता था, डिमांड करता था, जिन पेपरों पर नोट छप सकते हैं, और पुलिस वाले ऐसे ही किसी गिरोह की तलाश में थी जो नकली नोट बनाते हैं। दुकानदार के पास वो सामान की खरीदारी करने जा रहा था, इसी बीच में नकली नोट मिल जाते हैं। पुलिस उसे पकड़ती है, घर आती है, घर आने के बाद नकली नोट ढूंढ रही थी, लेकिन लाश मिल जाती है, और लाश मिलती है तो
6 मार्च 2023 को इस घटनाक्रम का जब खुलासा होता है तो लोग ये देखकर हैरान थे, खासकर इस लड़की के घर वाले, जहां ये बार बार जाता था कि मेरी पत्नी को वापस लाकर दे दो। इससे ज्यादा हैरान थे उस लड़के के माँ बाप, जिनके पास ये अपने दोनों बच्चे छोड़कर आया था कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई है, वह बदचलन है, उसके किसी से अवैध संबंध है, उसके पास लड़के आते जाते थे और इसीलिए वो किसी के साथ भाग गई है। और लगभग 2 महीने से करीब 60 दिन तक वो ऐसे ही बहाने बनाता रहा। आसपास के लोगों को उसने बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि उसने अपनी पत्नी का गला घोट के उसके 6 टुकड़े करने के बाद पानी की टंकी के अंदर डाल दिए हैं। फिलहाल पुलिस इस मामले की और भी जांच पड़ताल में जुटी है। इस हत्याकांड में कहीं कोई और तो शामिल तो नहीं है? पुलिस के अफसर सागर पाठक कहते हैं कि कम से कम समय में इस मामले में चार्जशीट लगाकर जो भी आरोपी है, चाहे इसका पति है या अन्य आरोपी है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। पूरे घटनाक्रम में पति हमेशा के लिए जेल चला गया और पत्नी हमेशा के लिए इस दुनिया से जा चुकी है, अब कभी वापस लौट के नहीं आएगी। जो दोनों बच्चे हैं उनकी परवरिश का जिम्मा दादा दादी कब तक संभालेंगे, कब तक उन्हें पालेंगे पोसेंगे, क्योंकि उन्हें भी बूढ़ा होना है। उन दोनों बच्चों की पूरी जिंदगी हमेशा के लिए खराब हो गई है। पुलिस ने ये भी पता करने की कोशिश की थी कि क्या वाकई इस महिला का किसी के साथ अफेयर है, अवैध संबंध है या नहीं है, तो पहली जांच में ये पाया जाता है कि इस महिला का किसी से भी कोई अफेयर नहीं है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। आप जहां भी रहें अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं ऐसी ही किसी नई कहानी में, तब तक के लिए दिल से धन्यवाद।